हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की पारंपरिक डिश लेकर आई हूँ। इसे चीला बोलते हैं या स्वीट ढोसा कहिए। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम आज गुड़ और आटे से बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये आयरन से भरपूर रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आटे गुड़ की चीला बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 200 ग्राम आटा, 150 ग्राम गुड़ जिसे हमने तोड़ लिया है, रिफाइंड ऑयल और पानी। तो सबसे पहले हम गुड़ को पानी में पिघला लेंगे। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक बॉल ले लिया है और उसमें हम गुड़ को डाल देंगे। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे। गैस को हम ऑन कर लेंगे। अब हम गुड़ को पिघलने तक पानी को गर्म करेंगे। हमें ज्यादा उबालना नहीं है। जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो ऐसे हम चलाते हुए गुड़ को पिघला लेंगे। गुड़ को हमने पानी में पिघला लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और गुड़ को हम छान लेंगे। तो चलिए हम इसे अब छान लेते हैं। एक बड़े से बॉल पे हम स्ट्रेनर रखे हैं और ऐसे हम गुड़ को छान लेंगे। गुड़ में कुछ भी कचरा होगा तो ये निकल आएगा। गुड़ अपना क्लीन है, कुछ भी नहीं निकला, फिर भी हमने एक बार इसे छान लिया। अब हम गुड़ के पानी में थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे और एक चम्मच की मदद से इसे घोलेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसका एक बढ़िया सा घोल तैयार करना है। हमने गुड़ में थोड़ा ही पानी डालना है क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम ठंडा पानी ऐड कर लेंगे। लेकिन गुड़ की पानी ज्यादा हुई तो फिर हमें बचाना पड़ सकता है, फिर अपनी चीला जो है वो मीठा नहीं होगा। तो हम गुड़ में थोड़ा सा पानी डाल के पिघलाए थे। अभी अपनी घोल बहुत गाढ़ी है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। आटे में हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बढ़िया सा घोल तैयार किया है। आप देख सकते हैं इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी। ऐसे ही घोल हमें चाहिए कि गिराने पे इसकी धार नहीं टूटनी चाहिए। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक तावा रख लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। तावा को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तावा गर्म हो चुका है। अब हम उस पे डालेंगे एक छोटा चम्मच तेल। तेल को हम चम्मच से ऐसे फैला लेंगे, यानी कि हमें तावा को ग्रीस कर लेना है। अगर नॉन स्टिक तावा है तो उसपे दिक्कत नहीं आएगी, और डेली यूज का ये जो तावा है उसको हम अच्छे से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करना बहुत जरूरी है। तेल को हमने फैला लिया। अब हम एक चम्मच बेटर लेंगे और तावा पे हम धीरे से ऐसे छोड़ लेंगे। फिर हम चम्मच के पिछले वाले हिस्से से इसे ऐसे भूसा के जैसे फैलाएंगे। जितना बड़ा आपको चीला फैलाना है इतना बड़ा फैला लीजिए। तो हमने बेटर को अच्छे से फैला लिया है। अब हम उसे 1 से 1.5 मिनट एक साइड से सेक लेंगे। एक साइड से चीला सिक चुका है। अब हम एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा तेल ऐसे गिरा देंगे चारों तरफ से, और एक पॉइंटेड स्पैचुला लेंगे। उससे हम ऐसे इसकी कोने को ऐसे चलाते हुए चारों तरफ से निकाल लेंगे।
मैंने इसे बीच में डाल के और टर्न कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड से कितना बढ़िया अपना चीला सीख चुका है। अब हम दूसरे साइड से भी 1 से 1.5 मिनट तक इसे पका लेंगे। दूसरे साइड से भी अपनी चीला सीख चुकी है, तो हम इसे चम्मच की मदद से एक बार और फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड से एकदम परफेक्ट अपनी चीला पक चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम सभी चीला तैयार करेंगे। फिर हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, गैस के फ्लेम को स्लो कर लेंगे। 1 चम्मच बैटर लेके हम तवा पे ऐसे तोड़ लेंगे। चम्मच के पिछले हिस्से से हम इसे राउंड राउंड करके एक चीला का शेप लेंगे। चीला को हमने फैला लिया। अब हम थोड़ा सा तेल चारों तरफ ऐसे किनारे किनारे पे छोड़ देंगे। देख सकते हैं ऊपर का खोल जो है जब सूख जाए तो हम समझ सकते हैं कि नीचे वाला जो अपना चीला है अच्छे से सीख चुका है। फिर हम इस स्पैटुला से इसके कॉर्नर को ऐसे धीरे धीरे उठा लेंगे। आटे गुड़ से चीला बनकर तैयार है। आपने देख लिया चीला बनाना कितना आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है, आयरन से भरपूर। इस चीला को आप जरूर ट्राई कीजिए। बच्चे बड़े इसे बहुत पसंद करते हैं और ये फायदेमंद भी है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये चीला की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।